अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये देखिए मैंने कितने ज़बरदस्त से ये एक प्याली बेसन से कितने ढेरों ढेर ये मैंने पूरी फैमिली के लिए ये बेसन के लड्डू बनाए हैं। आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको एक लड्डू 30-40 रुपए का मिलेगा और मैंने खाली 30 रुपए के बेसन से ढेरों ढेर पूरी फैमिली के लिए देखें ये लड्डू बना लिए हैं और कितने टेस्टी हैं और कितने लजीज हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे ही हैं जैसे बाज़ार में मिलते हैं। ये देखें कितने टेस्टी, कितने उम्दा। ये देखिए ये खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चले अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक कढ़ाई के अंदर आपने ये डाल देना है। मैंने ये एक कप लिया है बेसन फुल प्याली, आपने ये डाल देना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसको करना है ब्राउन, यानी जो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होता है ताकि इसकी जो खुशबू है वो स्मेल अच्छे से आने लगे बेसन में जो होती है और इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप गुठलियाँ हों बेसन में तो आप इसको अच्छे से स्पून की मदद से प्रेस कर दीजिए ताकि ये टूट जाए, और इसको बिल्कुल धीमी आँच पर इस तरह से मुस्तकिल हिलाते रहिए ताकि ये जो है आपका जो बेसन है वो जले ना। ये देखिए आपने इसको मुस्तकिल चम्मच को हिलाते रहना है। ये देखिए आप इसमें से कितनी प्यारी सी खुशबू उठ रही है। जब आपको महसूस हो कि इसमें से खुशबू उठना चालू हो गई है तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल डन होने वाला है। अब आपने करना क्या है इस पॉइंट पे, ये देखिए हल्का सा जो है इसने ब्राउनिश का शेड ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी, चाहे तो आप घी ले लीजिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। देखें ये मैं डालूंगी इसमें अभी 4 चमचे के करीब। एक चमचा मैंने डाला इस तरह से, ये देखें मैं दूसरा डाल रही हूँ। तो इसमें हमें क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ती है, देखें इस तरह से। ये देखें जब इसमें घी की क्वांटिटी अच्छी होगी तो ही हमारे जो लड्डू हैं वो बेहतरीन बनेंगे। तो बस आपने ये अच्छे से ख्याल रखना है कि इसमें आप जो भी डालें, घी डालें, ऑयल डालें, जो भी डालें तो वो अच्छे से बने। अगर आपके पास असली घी है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होता है, असली घी में तो आपको पता है कितने लाजवाब से लड्डू बनते हैं। पर देखिए मैं आपको ऑयल में, घी हर किसी के घर में नहीं होता इसलिए मैं आपको ईजली ऑयल में बनाना सिखा रही हूँ कि आप ऑयल में भी इतने मज़े की मिठाइयाँ बना सकते हैं, इतने अच्छे से आप लड्डू बना सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। ये देखें अब आप इसको बिल्कुल ब्राउन करें, ये अच्छे से इस तरह से, ये देखें गुठलियाँ सी बन गई हैं। जब इस तरह से ये गुठलियाँ बन जाएं तो आप समझ लें ऑयल बिल्कुल ठीक है। अगर गुठलियाँ ना बने तो आप समझें कि ऑयल आपका कम है। तो इसलिए बस आपको ये मैंने सीक्रेट टिप दी है, इसको आप फॉलो कीजिए, आपके लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। मैं सिर्फ ये बेसन में ही बना रही हूँ, मैंने इसमें सूजी नहीं ऐड की, मैं सिर्फ बेसन के बनाना चाहती हूँ लड्डू, तो खाली ये बेसन में ही है। बस आप इसको हल्का और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए आप इसको ब्राउन कीजिए। ये देखिए अब हमें करना क्या है कि ये मैंने छोटी इलायची ली है, इसको इस तरह से कूट लिया है। अब इसमें ये ऐड कर देनी है ताकि जो इलायची की ज़बरदस्त सी खुशबू है वो हमारे लड्डुओं में और हमारे बेसन में आ जाए। ये देखिए इलायची डलते ही वाह वाह यमी सी जो खुशबू आई है ना, वाह इसकी तो बात ही कुछ और है। आप में ऐसी ही सिंपल और इजी रेसिपी आपकी खिदमत में लाती रहती हूँ जो सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और या आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल हो गया है। अब हमें इस पॉइंट पर करना क्या है कि ये है, देखें ये है भूरा चीनी, यानी कि अगर आपके पास भूरा आसानी से मिल जाता है चीनी का, अगर नहीं है तो आप चीनी ही घर में मिक्सी में पीस लीजिए, इस तरह से हो जाएगी वो। जितना हमने बेसन लिया था उतना ही हमने लेना है ये शक्कर पिसी हुई, उतनी ही लेनी है तो ही लड्डू आपके मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अगर मेजरमेंट सही नहीं होता तो होता क्या है कि हमारे जो भी हम बनाना चाहते हैं वो हमारे अच्छी नहीं बनती है। तो बस अब आप करना क्या है कि ये जो है इसको अच्छे से जो गुठलियाँ हैं इसको स्पून की मदद से प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से पिस जाए, फिर हम इसके बनाते हैं लड्डू।
ये देखिए कितने अच्छे से इसकी सारी गुठलियाँ प्रेस हो चुकी हैं। अब हम इसको निकालते हैं एक बाउल में। ये देखिए ये सारा मिक्सचर कितने अच्छे से हो चुका है। अब हम इसके बनाते हैं गोल बॉल्स, जैसे के बनते हैं इस तरह से करके आपने इस तरह से गोल गोल बनाने हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये हमारा बेसन का लड्डू तैयार है। अब हम इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से और ऐसे ही सारे लड्डू हम बनाएंगे। ये देखिए सारे इस तरह से करके बहुत ही अच्छे से इसे घुमा घुमा के इस लड्डू को हम बनाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से ये हमारे जो लड्डू हैं ये देखें कितने खूबसूरत, कितने स्मूथली और कितने प्यारे हैं। आप ऐसे लड्डू बनाएंगे जैसे कि आप मिठाई की दुकान पर मिलते हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि एक प्याली से, मैंने आपके सामने एक प्याली डाली थी और उससे मैंने इतने सारे लड्डू मैं बना रही हूँ। अगर आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे तो आपको एक ही लड्डू 40-50 रुपए से कम नहीं मिलने वाला। तो आप एक प्याली बेसन में कम बजट में ढेरों ढेर पूरी फैमिली के लिए लड्डू बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए कितना चिकना चिकना, कितना खूबसूरत ये लड्डू है। ये देखिए है ना कितना प्यारा सा। चले अब हम इसको करते हैं डेकोरेट। चले अब हम इन लड्डुओं पर लगाएंगे चांदी का वर्क। अगर आपके पास है तो आप लगाइए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लगाइए, कोई बात नहीं। आ दिया है, अब हम इस पे रखेंगे पिस्ते इस तरह से, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो। वैसे तो ये बादाम और पिस्ते ही अच्छे लगते हैं इस तरह से रखे हुए। तो इस तरह से आप सारे डेकोरेट करती जाएं। ये देखें इस तरह से, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये बड़े बड़े साइज़ के ये मैंने लड्डू बनाए हैं। और देखें कितने दरदरे, कितने मज़ेदार हैं ये। देखें एक प्याली से पूरी फैमिली के लिए कितने अच्छे से ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और ईजी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।